हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न, सो आज आपको पता चलने वाला है कि यस डेफिनेटली आपका जो नेक्स्ट ईयर है 2025, उस 2025 में आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड हेल्थ कैसा रहने वाला है। तो उसी से रिलेटेड आपकी पांच ऐसी बड़ी भविष्यवाणी होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। ओके, और ये क्या है, कैसा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से पहले हो जाइए पॉजिटिव, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, बस फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। जल्दी से अलाइन हो जाइए, रीडिंग जो है 2025 के लिए है और ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। ऑल राइट, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत स्मूथली और बहुत ईजली वो चीज़ पूरा हो पा रहा है। थोड़ा स्लोली हो सकता है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली जिस भी रेस में आप हो, ठीक है, उस रेस को जीतोगे आप ही, ठीक है, और आपको बहुत सारे बेनिफिशियल रिजल्ट 2025 में मिलेंगे। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू रश, ये कहा जा रहा है कि आपको खुद भी अपने तरफ से किसी चीज़ पर रश नहीं करना है, अपने काम पे अटेंशन देना है, पे अटेंशन टू एवरी डिटेल। शादी भी अगर करने जा रहे हैं या कोई करियर पाथ भी चूज़ करने जा रहे हैं तो आपको काफ़ी ध्यान से अपने करियर पाथ को चूज़ करना है 2025 में। और ये समझदारी आपके अंदर डेवलप हो रही है कि हर बार हो सकता है कि आप जल्दी कर देते थे जिसकी वजह से आपका हमेशा होता था लॉस, लेकिन अब आप कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। ओके, तो केयरफुल रहना है नॉट टू गेट इन्वॉल्व विथ एनी, किसी भी रिच क्विक स्कीम में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। बहुत सारे से दुनिया में फ्रॉड भी होते हैं जो मतलब ऐसे ऐसे प्लानिंग करते हैं लोगों को फंसाने के लिए, लाइक किसी को ऐसा स्कीम दे दे, बता दे रिच क्विक स्कीम जिससे तुरंत अमीर हो जाए। वैसे चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा, वैसे चीज़ों से थोड़ा क्या पूरा बच के रहना है, ऐसे चीज़ों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको केयरफुल रहना है, ठीक है, कि कौन आपका सच में अच्छा चल रहा है या फिर कौन आपका लॉस करा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को पैसे दे रहे हो थोड़े भी, 5,000-10,000 जो भी, तो वो आपको करोड़ करके क्यों देगा, ठीक है, एक ही बार में। सोचने वाली बात है, सबको यहाँ पे पैसे ही कमाना चाह रहा है। तो यहाँ पे सिंपली ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप किसी भी रिच क्विक स्कीम से बचेगा, ठीक है, ऐसे फ्रॉड में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, देर हैव बीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स विथ योर फाइनेंस। फाइनेंस में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होंगे, ठीक है, लेकिन तभी होगा जब आप केयरफुल नहीं रहेंगे, इसलिए केयरफुल रहने को कहा जा रहा है। मनी तो आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रही है, लेकिन तेज़ी से जा भी सकती है, इसीलिए आपको अपने पैसे का ख्याल बहुत रखना होगा। कोई भी पैसे आ रहे हैं तो अच्छे तरीके से उसको स्पेंड करना है, इस बात का ध्यान रखें। आप करियर के मामले में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही फास्टली चेंज हो रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस फाइनेंस के मामले में आ रहे हैं। तो देखोगे किसी महीने आपका बहुत ग्रोथ हुआ, बहुत पैसे आए, ठीक है, तो कभी आप देखोगे कि नॉर्मल रहा, तो या फिर कभी कोई लॉस हो गया, तो लॉस अगर होगा तो उसके पीछे देखिएगा रीज़न क्या था, किसकी गलती थी। इसीलिए पहले ही वार्न कर दिया जा रहा है कि केयरफुल रहना है पैसे वैसे को लेकर, सिंपल सी बात है। कोई लॉस नहीं होगा अगर केयरफुल रहे तो। उसके बाद मैं देख पा रही हूँ कि आप एक बहुत लविंग काइंड पर्सन बन रहे हैं, आपके अंदर काइंडनेस बहुत आ रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा लिबरेटेड एंड कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो यहाँ पे इसी वजह से कोई बहुत ही प्यारे से पर्सन को, प्यारे से पार्टनर को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कमेंट में लिख सकते हो, आई स्पीक विथ लव, आई एम लिबरेटेड एंड कॉन्फिडेंट, आई एफर्टलेसली अलाइन विथ इनर पीस। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति रहेगी, प्यार भी रहेगा, प्यार करने वाले इंसान भी होंगे, आपके अंदर टॉलरेट करने की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की क्षमता नहीं है तो वो भी डेवलप हो रही है आपके अंदर। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो रहे हो अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी एबिलिटीज़ को लेकर, और सबसे इम्पॉर्टेंट है पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड रहेगा, खलबली नहीं मची हुई रहेगी, एक पीसफुल एनर्जी में आप टैप कर रहे हैं। इनलाइटेंड एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका पर्सनल ग्रोथ, मतलब कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद वर्क में बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस और अचीवमेंट मिल रहा है, आप डिवाइनली इंस्पायर रहेंगे, आपको किसी से कोई मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको डिवाइन इंस्पायर करने वाला होगा। तो लिख सकते हो, आई एम डिवाइनली इंस्पायर, आई एम अ चैनल ऑफ लव, लाइट एंड वेलबींग। 2025 में आपके, आप तो पहली बात बहुत सारे पॉजिटिव एक्शंस लोगे,
ठीक है, जिसके वजह से सही पाथ पे रहेंगे। पहले ही आपको यहाँ पे केयरफुल कर दिया गया है फाइनेंस के मामले में। उसके बाद यहाँ पे यह है कि आप प्यार के साथ, आप लाइट के साथ और वेल बींग के साथ कनेक्टेड रहेंगे, अलाइंड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग अगर डीमोटिवेट करने को भी आएंगे ना, तो आपको ज़रा सा भी डीमोटिवेशन लगेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप उस वक्त तक अपने पोटेंशियल को पहचान चुके होंगे कि आपका पोटेंशियल अनलिमिटेड है, और मेडिटेशन वगैरह भी आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपका एक्शन हो गया, थॉट्स हो गया, उन सारी चीज़ों के साथ दोनों ही चीज़ें, एक्शन आपका थॉट्स दोनों अलाइन रहेगा, प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो। तो क्या करना है, अभी के टाइम में जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, अलाइन हो जाना है, फैमिली मेंबर बन जाना है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिलेगा, दुनिया के किसी भी कोने में हो किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे है द सन की एनर्जी, एंड ये कार्ड मैंने लिया है लव लाइफ के लिए। तो फाइनली आपके लव लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जिससे आपकी शादी होगी, जिसके साथ आपका लॉन्ग लास्टिंग मैरिड लाइफ होगा, या फिर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में, एक बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप में आ रहे हो, जो कि आपको बहुत प्यार करने वाले और पैम्पर करने वाले इंसान मिल रहे हैं। मैंने रीडिंग भी डाला है कि शादी होगी या नहीं होगी 2025 में, तो वो रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, सो चलते, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी। मैं प्रे करती हूँ आपकी 2025 बहुत ही ब्यूटीफुल हो।